dear students, today we will read very interesting chapter from our book Vasundhara. Chapter name is Bihah. Chapter number is second. Written by Subhadra Kumari Chauhan. यह पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है. सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 प्रयाग में हुआ था और बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था. उनकी पहली कविता नीम के पेड़ पर लिखी गई थी जो मर्यादा पत्रिका में छपी. कक्षा 9वीं में ही उनका विवाह कर दिया गया था. छोटे उम्र में विवाह होने के कारण उन्हें पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा, परंतु उनकी रुचि कविताएं लिखने में अधिक थी. बिहाह का अर्थ होता है ससुराल. बिहाह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका बहुत छोटी ही उम्र में विवाह कर दिया जाता है और वो अनाथ हो जाती है. अनाथ होने के बाद वह अपने ससुराल को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है. इस कहानी का उद्देश्य है कुप्रथाओं से अवगत कराना, संघर्ष करने की प्रेरणा देना, साहस का भाव जागृत करना और संवेदनशील बनने के लिए बच्चों को प्रेरित करना. कविता कहानी का सारांश है लेखिका यानी सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए जबलपुर से आजमगढ़ जाती है. वह रेलगाड़ी के महिला कक्ष में अकेली बैठी रहती है. सतना स्टेशन पर आते ही गाड़ी रुक जाती है और एक कांस्टेबल और स्टेशन के दो तीन कर्मचारियों एक 7-8 साल की बच्ची को ट्रेन में बैठा देते हैं और लेखिका से कहते हैं कि इसे इलाहाबाद स्टेशन पर उतार देना. लेखिका ने देखा कि बच्ची एक पीतल की थाली, ग्लास और कटोरी लिए हुए थी और इसी प्रकार रेल चल पड़ी. लेखिका के पूछने पर बच्ची ने अपना नाम रामप्यारी बताया और कहा कि वह इलाहाबाद अपने बिहाह के घर जा रही है. उसने बताया कि उसके माता पिता बीमार थे और अस्पताल में ही शांत हो गए. ट्रेन में शाम के बाद सर्दी बढ़ गई थी, इसीलिए लेखिका ने बच्ची को अपनी चादर ओढ़ने को दी. मणिकपुर से महिलाओं का समूह ट्रेन में चढ़ा. लेखिका को नींद आ रही थी, वह सो गई. लेखिका ने देखा तो राम प्यारी वहाँ नहीं थी, वह तो उन महिलाओं के साथ बाहर खड़ी थी. टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से टिकट पूछा और राम प्यारी ने जवाब दिया कि वह अपने घर से आ रही है और अपने ससुराल को खोजने जा रही है. इतने में ट्रेन चल पड़ती है और राम प्यारी की आवाज़ लेखिका के कानों में गूंजने लगती है. लेखिका के मन में बार बार प्रश्न उठ रहा था कि राम प्यारी को उसका ससुराल मिला या नहीं. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन एक सफ़र है. इस सफ़र में कई बार हमें ऐसे लोगों मिलते हैं जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता होती है, परंतु जीवन की इस भागदौड़ भरी शैली में हम केवल अपने तक ही सिमट कर रह गए हैं. ज़रूरतमंदों की समय पर सहायता करना हमारा कर्तव्य है.